हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जो हम लोग पेंट करने जा रहे हैं वो है पिछवाई आर्ट, जिसे अभी के लोग पिछवाई भी कहते हैं, बट इसका ओरिजिनल नाम पिछवाई है। जी हाँ, मैंने अभी कुछ टाइम पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था और मेरी इच्छा थी इस पे पेंटिंग बनाने की, तो मैंने सोचा क्यों ना वो आपके साथ शेयर किया जाए। सो आई नो कि पहले से आप इसके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, बट फिर भी मेरा दायित्व बनता है कि आपको थोड़ा सा ब्रीफ इसके बारे में दूं। पिछवाई जो कला है ये ट्रेडिशनली बिलोंग करती है नाथद्वारा से, राजस्थान नाथद्वारा से, जिसमें श्रीनाथ जी की जीवनी और श्रीनाथ जी के अलग अलग आर्ट फॉर्म पेंट किए जाते हैं। ये जो कला है पिछवाई, ये लगभग 500 साल पुरानी है, और हो सकता है शायद उससे भी ज्यादा हो, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री लगभग 5000 साल पुरानी है, तो मे बी पॉसिबल कि ये उससे भी पहले से हो, 500 साल से भी पहले से। और उस वक्त जब इस पेंटिंग को किया जाता था ना, तो वो लोग इसे कपड़े पर बनाते थे, और कपड़े पे वो लोग नेचुरल कलर यूज करते थे, और जो श्रीनाथ जी कृष्ण भगवान के जो आभूषण वो लोग पेंट करते थे उसमें वो ओरिजिनल गोल्ड यूज करते थे, ओरिजिनल सोने का पाउडर वो लोग उनकी आभूषण में यूज करते थे। ये सभी मटेरियल तो हमारे पास है नहीं, ना ही नेचुरल कलर है, ना ही सोने का पाउडर है, और ना ही कपड़ा। तो हम लोग ये जो आज पेंटिंग बनाने जा रहे हैं, इसमें हम लोग कैनवास यूज कर रहे हैं और नॉर्मल एक्रेलिक कलर्स हम लोग यूज कर रहे हैं। विदाउट डू एनी फर्दर डिले, लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। सो मैंने यहाँ एक बाय एक का एक राउंड कैनवास लिया है, आप चाहे तो स्क्वायर साइज भी ले सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। और यहाँ मैं ड्राइंग कर रही हूँ नॉर्मल नटराज पेंसिल से। पिछवाई में एक सबसे फेमस पेंटिंग होता है जिसमें गाय और कमल के फूल बनाए जाते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत सा पेंटिंग होता है, मैंने बहुत सारी जगह देखा है, आपने भी यकीनन देखा होगा। तो आज हम लोग वही पेंट कर रहे हैं। तो हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है और अब आती है कलरिंग की बारी। तो यहाँ मैं गाय में ऑफ वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ, इसमें मैंने वाइट में थोड़ा सा येलो ऑकर मिक्स किया है, उससे मैंने ऑफ वाइट कलर बनाया है। और ट्रेडिशनली आर्ट फॉर्म में पिछवाई में गाय में यही कलर यूज़ किया जाता है, तो वही कलर मैंने भी यहाँ यूज़ किया है। और ना मैं येलो ऑकर से ही थोड़ी आउटलाइंस कर रही हूँ, क्योंकि इसमें डिटेलिंग का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, तो ड्राइंग करने से थोड़ी सी आउटलाइन देने से मुझे क्लियर ड्राइंग मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ पे मुझे शेडिंग और लाइट करनी है, इसलिए मैं पहले ही येलो ऑकर से इसमें आउटलाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। सो अब मैं बचे हुए पार्ट पे भी ऑफ वाइट कलर फील कर दूंगी, और ऑफ वाइट कलर है, लाइट शेड है, तो इसमें एक कोट में ही पूरा कलर अच्छे से सेटल हो जाता है, इसमें डबल कोट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ऑफ वाइट कलर फील करने के बाद मैं इसमें डिटेलिंग साथ ही साथ करते जा रही हूँ, थोड़ी सी मिक्सिंग कर रही हूँ, थोड़ा सा डेप्थ बढ़ा रही हूँ। और इसके लिए ना मैंने ग्रे कलर यूज़ किया है, और ग्रे कलर से थोड़ी थोड़ी आउटलाइन दे के मैं उसे ड्राई ब्रश से अच्छे से ब्लेंड करते जा रही हूँ। यहाँ मैं बहुत लाइट लाइट सी शेडिंग कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मिक्सिंग और बहुत ज़्यादा शेडिंग की ज़रूरत है नहीं, तो जो आउटलाइन है उस वाले एरिया पे मैं थोड़ी शेडिंग कर रही हूँ, ग्रे से हल्के वाले ग्रे से थोड़ा सा आउटलाइन देके मैं उसे मिक्स कर रही हूँ अंदर की तरफ। सो गाय का जो हम्प वाला पार्ट होता है ना, उस पर मैं येलो ऑकर से शेडिंग कर रही हूँ, ऊपर की तरफ थोड़ा सा डार्क येलो ऑकर यूज़ किया है, और अंदर की तरफ पानी के साथ मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ। और सेम शेडिंग ना मैं कान, गाय का जो कान वाला पार्ट है, कान है उनके, उसमें भी वैसे ही कर रही हूँ। सो गाय के जो सिंग है ना, वहाँ पे मैंने डार्क ग्रे यूज़ किया है, डायरेक्ट ब्लैक यूज़ नहीं किया है मैंने, वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, तो मैंने डार्क ग्रे यूज़ किया है और येलो ऑकर यूज़ किया है। और इसमें मैं थोड़ी थोड़ी शेडिंग हाथों हाथ करती जाऊँगी, जहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे थोड़ा सा हाईलाइट देना है, तो मैंने येलो ऑकर में हल्का सा ब्लैक मिला के इसको लाइट करके वहाँ पर हाईलाइट दे दिया है। और गाय की आंखें बनाते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, बिल्कुल बारीकी से बनाना, क्योंकि यार शायद मुझे ऐसा लगता है मिनिएचर पेंटिंग्स में ना जो आंखें होती है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाई जाती है, और थोड़ा आराम आराम से यदि आप बनाएं तो बहुत अच्छी बात है। सो आँखों में भी ना मैंने डार्क ग्रे कलर यूज़ किया है, और एक पतला सा लाइनर ब्रश यूज़ किया है मैंने आँखें पेंट करने के लिए। और यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो यार प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और साथ ही साथ वीडियो थोड़ा सा लंबा है तो प्लीज़ एंड तक देखना, और आखिरी में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये पेंटिंग कैसा लगा।
तो शेडिंग वाला पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे आउटलाइन कर रही हूँ बिल्कुल डार्क, बिल्कुल से डार्क ग्रे कलर से। और आप चाहे तो ब्लैक यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, इसलिए मैं डार्क ग्रे कलर यूज़ कर रही हूँ आउटलाइन करने के लिए। सो इसमें अब हम थोड़ी और डिटेल्स ऐड कर रहे हैं। और गाय की जो एसेसरीज़ मैंने पेंट करी है उसमें मैंने येलो कलर और ऑरेंज कलर यूज़ किया है, जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म के कलर्स होते हैं पिचवाई के, ज़्यादातर मैंने वही शेड्स इसमें यूज़ किए हैं और एक्स्ट्रा कोई नए कलर यूज़ नहीं किए हैं, बेसिक कलर शेड्स हैं। तो इसमें थोड़ी और डिटेल ऐड करने के लिए ना मैंने डार्क ब्राउन कलर का यूज़ किया है। जनरली जब गाय को और पशुओं को तैयार किया जाता था ना, तो उसमें रस्सी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था पहले के टाइम में, और मैंने अपने घर में भी देखा है ऐसा करते हुए। तो मैंने वैसा ही कुछ पेंट किया है, और उनको रस्सी वाला लुक देने के लिए ना मैं उसमें रस्सी की जो लाइन्स आती है वैसी ऐड कर रही हूँ, और उसके लिए मैंने डार्क ब्राउन कलर यूज़ किया है। और ये ऑरेंज कलर का जो क्लॉथ है इसमें भी मैं डार्क ब्राउन से ही लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, और उसी के हल्के हल्के लाइंस और थोड़ी और डिटेलिंग ऐड करके मैं इसे कंप्लीट कर रही हूँ। तो हमने डेप्थ तो बढ़ा दी है, अब इसमें हाइलाइट्स भी देना ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने लाइट येलो कलर यूज़ किया है, येलो में मैंने थोड़ा सा वाइट मिक्स करके उसको लाइट कर लिया है, और वो मैं यूज़ कर रही हूँ। जहाँ जहाँ भी मुझे हाइलाइट्स देनी है वहाँ मैंने एक ही शेड यूज़ किया है। शायद आपने भी अपने घरों में देखा होगा कि जब गाय की पूजा होती है तो उनके ऊपर हल्दी के हाथ लगाए जाते हैं, तो पिचवाई पेंटिंग में भी ना ऐसा ही कुछ ट्रेडिशनल होता है, और वैसे ही छोटे छोटे हाथ में यहाँ पे पेंट कर रही हूँ। और उसके सेंटर ना सेंटर में मैं ऑरेंज कलर से बिंदी लगा रही हूँ, जैसा हम लोग कुमकुम लगाते हैं वैसे ही मैं यहाँ छोटी छोटी ऑरेंज डॉट्स लगा रही हूँ। सो अब मैं ये दो शेड्स ले रही हूँ, क्रिम्सन लेक और वाइट, और इससे मैंने बिल्कुल लाइट पिंक कलर बनाया है, जिससे हम लोग कमल के फूलों में फील कर रहे हैं। और आप चाहे तो डार्क पिंक करके उसमें लाइट पिंक से शेडिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं लाइट पिंक करके उसमें डार्क पिंक और रेड से शेडिंग करूँगी। और जितनी भी पिचवाई मैंने पेंटिंग्स देखी है, पिचवाई पेंटिंग्स, उसमें ज़्यादातर ना बहुत ज़्यादा लाइट कलर यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा लाइट पिंक कलर यूज़ किया जाता है, और ये उसके हिसाब से भी थोड़ा सा डार्क है, बट मुझे ये शेड ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसमें मैं बिल्कुल डार्क पिंक से या फिर क्रिम्सन लेक आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, उससे मैं हल्की हल्की शेडिंग कर रही हूँ। और इसके लिए ना ड्राई ब्रश यूज़ करना जब आप इसी शेडिंग कर रहे हो। और एक चीज़ मैंने देखी है कि जो इसमें कमल के फूल बनाया जाता है ना, इसकी मिक्सिंग एकदम प्लेन नहीं होती, इसमें हल्के हल्के ऐसी लाइंस दिखती है मिक्सिंग में, तो मैं वैसे ही कर रही हूँ। और इसके लिए मैं थोड़ा ना ड्राई ब्रश यूज़ कर रही हूँ, और इसकी आउटलाइन जो मैं बना रही हूँ वो मैं डार्क रेड कलर से बना रही हूँ। क्रिम्सन लेक मैंने डायरेक्टली यूज़ किया है, इसमें कोई और कलर मिक्स नहीं किया है, और डायरेक्टली मैं इसकी आउटलाइन कर रही हूँ। यदि आपने मेरा राधा कृष्ण वाला पेंटिंग देखा होगा तो उसमें भी मैंने कमल के फूल पेंट किए थे, वो थोड़े से अलग थे, और इसमें मैंने थोड़े से अलग पेंट किए हैं। यदि आपने वो राधा कृष्ण वाला पेंटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो मस्ट चेक इट आउट, आपको वो भी बहुत अच्छा लगेगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस वीडियो के एंड में आप वो देख सकते हो। सो फूलों के बाद बारी आती है पत्तों की, तो यहाँ मैं पत्तों में सेव ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ, और पहले मैं इसे फील कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग इसमें शेडिंग कर लेंगे। सो अब इसमें शेडिंग जो हम लोग कर रहे हैं उसके लिए अंदर वाले साइड पे मैंने डार्क ग्रीन कलर यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन, और जहाँ मुझे हाइलाइट्स देने हैं ना उस जगह मैंने लाइट ग्रीन कलर यूज़ किया है। आप बोल सकते हैं पैरेट ग्रीन कलर वहाँ मैंने यूज़ किया है, आप सेव ग्रीन में येलो मिक्स करके ये कलर आराम से बना सकते हो। और ऊपर वाले साइड पे मैं हल्का सा सेव ग्रीन कलर करके इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ, इसे मैं जूम करके भी आपको दिखाऊंगी। यार मिनिएचर पेंटिंग्स में ना डिटेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नीचे वाले साइड जहाँ मुझे डेप्थ बढ़ानी है, लाइंस ड्रॉ करनी है, वहाँ पे मैंने डार्क ग्रीन कलर यूज़ किया है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग हमारे सारे पत्तों को पेंट कर रहे हैं। और इसके बाद जो कमल के फूल है वहाँ पे हाइलाइट्स देने के लिए ना मैंने बिल्कुल लाइट पिंक कलर यूज़ किया है, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा पार्ट इसमें वाइट का रखा है और बहुत हल्का क्रिम्सन लेक का, और हम लोग इसमें हाइलाइट्स ऐड कर रहे हैं।
सो अब मैं यहाँ पे ना बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने लीव में यूज़ किया था, और हमने पूरी पेंटिंग में बहुत अच्छे से शेडिंग की है, तो यहाँ भी हम लोग थोड़ी सी शेडिंग करेंगे। कहीं कहीं पे हाईलाइट देने के लिए मैंने पैरेट ग्रीन कलर का यूज़ किया है इसमें भी, हालांकि वो इतना क्लियर दिख नहीं रहा है कैमरे में, बट मैंने यूज़ किया है क्योंकि पूरी पेंटिंग में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल ऐड किया है। और ट्रेडिशनल पेंटिंग्स की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि उसमें डिटेलिंग बहुत अच्छी होती है। और अब बैकग्राउंड में ना मैं येलो ऑकर कलर यूज़ कर रही हूँ, और इसके ना मुझे डबल कोट करने पड़े हैं क्योंकि येलो ऑकर कभी भी एक बार में अच्छे से सेट नहीं होता, उसमें पैचेस दिखते हैं, तो यहाँ मैंने डबल कोट किए हैं येलो ऑकर कलर के। और टेक योर टाइम और आप आराम से इसे पेंट करें। और इसमें और थोड़ी थोड़ी डिटेल्स ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल वाइट वाइट छोटे छोटे फ्लावर्स में यहाँ बना रही हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे, ताकि ये स्पेस अच्छे से कंपोज हो जाए और पेंटिंग हमारा और ज़्यादा खूबसूरत लगे। और इन वाइट फ्लावर्स के बीच में ना मैं हल्का हल्का डॉट रख रही हूँ ऑरेंज का, और गाय के गले में जो घंटी होती है उसे मैं यहाँ पेंट कर रही हूँ येलो कलर से, और सेम ब्राउन शेड से इसमें हम लोग डिटेल ऐड करेंगे, जैसे हमने इनके सींग वाले और कपड़े वाले पार्ट में किया था वैसे ही हम लोग इसमें भी डिटेल्स ऐड कर रहे हैं। यदि आप पहली बार मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं ना, तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही और भी पेंटिंग वीडियोस मिल सके, और कुछ व्लॉग्स मैं इस चैनल पर अपलोड करती हूँ, आपको वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। सो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। सो ब्राउन से डिटेल्स ऐड करने के बाद इसमें हाईलाइट के लिए मैं लाइट येलो कलर यूज़ कर रही हूँ, जैसा हमने अपर पार्ट पर किया था सेम टू सेम वैसे ही। इसमें हाइलाइट्स भी उतनी इम्पॉर्टेंट है जितना कि हम लोग डेप्थ बढ़ाते हैं। तो हमारा पेंटिंग कंप्लीट हो चुका है और इसका फाइनल क्लिप मैंने वीडियो के एंड में अटैच किया हुआ है। आई होप कि आपको ये पेंटिंग पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक कर देना तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको पसंद आई है, और कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और यदि आप मेरी पेंटिंग्स के रिक्रिएशंस कर रहे हैं जो भी मैं सिखा रही हूँ उसके, तो मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, मैं ज़रूर देखूंगी और शेयर भी करूंगी। यदि पहली बार मेरा कोई वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को इसी तरह के और भी पेंटिंग वीडियोस देखने के लिए। और यदि आपने ये जो पीछे पेंटिंग है राधा कृष्ण वाली, इसका वीडियो नहीं देखा है तो मस्ट चेक इट आउट, आपको वो भी बहुत अच्छा लगेगा। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। सीताराम।